हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्यूशन पे। और मैं आज इम्पोर्टेंट फेजर भर लाया हूँ जो कि उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है सहारनपुर एंटरटेनमेंट से, उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि कोई भी न्यू वीडियो डले तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये रहा इम्पोर्टेंट फेजर वर्ब। ठीक है, इसकी कलर चेंज कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट फेजर वर्ब, ठीक है, इसका फेजर वर्ब है, उसका हम हिंदी मीडियम में बताएं कि ये याद करने की वर्ड मीनिंग जैसे लाए हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। पहला आ जाएगी, देखिए, कॉलिंग। कॉलिंग मतलब क्या होता है? कॉलिंग का फेजर वर्ब, कॉलिंग मतलब होता है ऐसे, कॉल मतलब सिर्फ कॉल आया किसी का, फोन मतलब बुलाना। ठीक है, तो कॉलिंग मतलब क्या होता है? कॉल इन, कॉलिंग मतलब किसी को बुलवाना, कॉलिंग मतलब किसी को बुलवाना। ठीक है, समझ गए। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मतलब कॉल ऑफ, किसी का कॉल आता है तो आप लोग क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं तो क्या समाप्त हो जाता है, और ऑन कर देते हैं तो क्या उठ जाता है, तो उससे बात करते हैं। तो कॉल ऑफ मतलब समाप्त करने या वापस लेना। ठीक है, कॉल ऑफ मतलब समाप्त करने या वापस लेना। ठीक है, कॉल अप मतलब याद करना या टेलीफोन करना, मतलब कॉल ऑफ, उसको कॉल फिर से लगाओ। ठीक है, ऐसे कहते हैं कभी कि ओए इस नंबर से कॉल आया था, फिर उसको कॉल अप कर मिला, कॉल लगाओ, तो उसको टेलीफोन करना या याद करना। ठीक है, कॉल अप। कॉल फॉर मतलब मांग, मांग करना या आवश्यकता होना। ठीक है, कॉल फॉर मतलब मांग करना होता है या आवश्यकता होना। ठीक है, कॉल ऑन, कॉल ऑन मतलब थोड़ी देर के लिए जाना या रुकना। कॉल ऑन मतलब थोड़ी देर के लिए जाना या रुकना, समझ रहे हैं। कॉलन क्या होता है? कॉलन मतलब थोड़ी देर के लिए जाना या रुकना। ठीक है, ट्राई करते हैं। कॉल आउट, कॉल आउट, कॉल आउट मतलब बुलाना। 1 मिनट, ट्रेन जा रही है, चल जाने दीजिए। सो सॉरी, क्योंकि मेरे घर के बगल में एक रेलवे लाइन है, तो रेलवे ट्रैक है, तो उस पर ट्रेन मिल जाता है, इसलिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉल आउट, कॉल आउट मतलब क्या होता है? बुलाना, कॉल आउट मतलब बुलाना। ठीक है, ठीक है, एट मतलब किसी के घर या स्थान आदि पर थोड़ी देर के लिए जाना, मतलब कहीं गए तो उसको कहते हैं, और थोड़ी देर रुके तो उसको क्या कहते हैं, कॉल एट, कॉल बैक वापस बुलाना। कॉल बैक मतलब वापस बुलाना, मतलब है उसको फिर से बुलाना। ठीक है, कभी कभी बोलते हैं या कॉल करते हैं तो कभी फिर से कॉल करते हैं, एक कॉल फिर से कॉल बैक करो, तो क्या मतलब वापस फिर करो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है वापस बुलाना। ठीक है, बाय करते हैं। कॉल डाउन, कॉल कॉल डाउन मतलब प्रार्थना करना, मतलब ठंडा हो जाओ और प्रार्थना करो। ठीक है, केयर अबाउट, केयर अबाउट मतलब चिंतित होना, किसी की केयर करना मतलब उसकी चिंता करना, अबाउट मतलब होना, केयर अबाउट मतलब उसकी चिंता करना। ठीक है, चिंता होना। केयर फॉर, केयर मतलब पसंद, मतलब उसकी चिंता कैसा है, कैसा दिखता है, तो यहाँ पर दिया है केयर फॉर मतलब पसंद करना, केयर फॉर मतलब पसंद करना। ठीक है, ये बहुत अच्छे और फ्रेजल वर्ड हैं, इसके वर्ड मीनिंग सहित मैंने लाया हूँ, आप लोग जरूर इसे पढ़े और समझे, याद कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरियर अवे, कैरियर अवे आपसे बाहर करना या उत्तेजित करना, आपे से बाहर करना है, मतलब उत्तेजित करना, याद रखिएगा। कैरियर ऑफ मतलब जीतना, मैंने अपने कैरियर से जीत लिया हूँ। ठीक है, कैरियर ऑन मतलब जारी रखना या चलना या निभाना, कैरियर मतलब तुम चलना जारी रखो। ठीक है, कैरियर आउट मतलब आज्ञा का पालन करना, कैरियर आउट मतलब आज्ञा का पालन करना। ठीक है, कैरियर आउट मतलब अपने पिताजी का आज्ञा पालन, पिताजी जैसे सुनते हैं उनसे पालन करते हो, तो उनका आज्ञा भी पालन करते हो। ठीक है, फिर यहाँ क्या आया, कास्ट एसाइड मतलब छोड़ देना या त्याग करना,
कास्ट एसाइड क्या होगा, छोड़ देना या त्याग देना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ 17 नंबर से फिर से देखिए, कैच अप विथ मतलब आगे निकलना। मैं उससे आज आगे निकल चुका हूँ, आप लोग पढ़ाई में दोस्त से आगे निकलते होंगे। ठीक है, तो कैच आउट मतलब उसको मैंने पकड़ लिया, जैसे क्रिकेट में होता है कैच पकड़ो, कैच आउट मतलब गेंद को लपक कर आउट करना, मतलब उसको कैच कर लिया तो आउट हो गया। चेयर अप, चेयर मतलब ढांढस या बांधना या बढ़ावा देना, ढांढस बांधना या बढ़ावा देना। ठीक है, चेयर अप मतलब फिर दिया हुआ मतलब अधिक प्रसन्न होना या करना, मतलब अधिक प्रसन्न होना या अधिक प्रसन्न करना। ठीक है, क्लियर अवे मतलब छूट जाना, क्लियर मतलब छूट, अवे मतलब जाना, क्लियर अवे मतलब छूट जाना। क्लियर ऑफ मतलब उससे छुटकारा पा लिया हम। वो व्यक्ति था ना कि दिन भर इधर से उधर करता था और हमें भी ले जाता था, लेकिन हम नहीं जाना चाहते थे, तो अब वो हमारे साथ नहीं रहता है, तो क्या उसने छुटकारा पा लिया ना। फिर आया क्लियर आउट मतलब प्रस्थान करना है या चलना है जाना, क्लियर आउट प्रस्थान करना, जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली है तो क्या कहते हैं, क्लियर आउट मतलब ट्रेन प्रस्थान करने वाली प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 क्लिम डाउन क्या है, मतलब नीचे की ओर आना या उतरना। क्लिम डाउन मतलब नीचे की ओर आना या उतरना। ठीक है, नीचे की ओर आना या उतरना दोनों एक ही बात होता है। ठीक है, क्लिम अप मतलब बढ़ना, क्लिम अप मतलब बढ़ना मतलब ऊपर की ओर बढ़ना। ठीक है, क्लोज डाउन, क्लोज डाउन मतलब अब यहाँ बंद करो काम को, अस्थायी रूप से बंद करना। डाउन क्लोज मतलब बंद, डाउन मतलब अस्थायी रूप से बंद कर दो। ठीक है, क्लोज इन या ऑन या ओपन मतलब ढक देना, याद रखिएगा। क्लोज इन ऑन या ओपन मतलब ढक देना, याद रखिएगा। क्लोज विथ मतलब स्वीकार करना, उसे स्वीकार कर लो, तो क्लोज विथ के साथ मतलब जो सामान दे रहा है उसके साथ स्वीकार कर लो। कुल्ड ओवर अस्पष्ट करना या ढकना, कुल्ड ओवर क्योंकि स्पष्ट करना या ढकना। ठीक है, कम अबाउट मतलब होना, कम अबाउट मतलब होना। ठीक है, कम मतलब आना, कम अक्रॉस मतलब संयोग से मिलना, कॉम एक्रॉस मतलब संयोग से मिलना। कम आफ्टर मतलब पीछा करना, उसको पीछा करो, उसके पीछे पीछे मतलब आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। कम अलोंग मतलब जल्दी करना, मतलब जल्दी कोई भी काम को जल्दी करने के लिए। कम एट मतलब पहुंचना या प्राप्त करना, मतलब पहुँच कर और प्राप्त करना। कम एट मतलब हमला करना भी होता है, कम एट मतलब हमला करना भी होता है। तो मेरे यूट्यूब चैनल शामपुर इंस्टीट्यूट के नाम से प्लीज़ उसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई वीडियो न्यू डले तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, चलते हैं आगे। और 36 है कम अवे फ्रॉम मतलब से अलग होना या जुदा होना, मतलब कभी अपनी बहन या किसी से जुदा होना, मतलब दूर जाना। तो बहुत, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम बैक मतलब लौटना, इधर आ जा, या कम बैक, कम बैक मतलब लौटने या वापस आना, इधर आ जाओ जल्दी से। कम बिटवीन मतलब संबंध में हस्तक्षेप करना, कम बिटवीन मतलब संबंध में हस्तक्षेप करना। कम बाय मतलब प्यास से प्राप्त करना, कम बाय मतलब प्यास से प्राप्त करना। ठीक है, चलते आगे। और लास्ट है एक, ठीक है, कम डाउन, कम डाउन मतलब उतरना या गिरना या नीचे आना। कम मतलब आना, डाउन मतलब नीचे की ओर। ठीक है, तो उतरना गिरना या नीचे आना तीनों की ओर। तो और मेरा वेबसाइट है तानपुर डॉट ट्यूशन डॉट इन के नाम से, उस पर बहुत सारे वीडियो डले हैं, आप लोग जरूर देखें। ठीक है, और मेरा यूट्यूब चैनल है तानपुर इंस्टीट्यूट के नाम से, प्लीज़ उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि कोई वीडियो डले तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आज के लिए क्लास इतना ही, और मैं क्लास को एंड करता हूँ। ओके, बाय, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक्स।